नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल। हाँ मित्रों, एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा एवं शिक्षा जगत से जुड़े अति आवश्यक खबरों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो आज इसी प्रयास के कड़ी में मैं एक नए खबर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जान ही रहे होंगे कि UPSC ने अपने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के फाइनल रिजल्ट को घोषित किया है। तो ये सबसे कठिनतम परीक्षा होती है हमारे देश में। इन परीक्षा को पास करने के उपरांत हमारे देश में पदाधिकारियों की भर्ती की जाती है, जैसे IAS, IPS, IRS, विभिन्न सारे पोस्टों पर नियुक्ति की जाती है। तो हम सब ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि इस परीक्षा में हमारी जो आधी आबादी है, आधी आबादी का मतलब हमारी जो महिलाएं हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो आज का वीडियो महिलाओं को डेडिकेटेड है, उन महिलाओं को जिन्होंने UPSC के सिविल सेवा परीक्षा 2019 के फाइनल में अपना रिजल्ट बनाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। UPSC परीक्षा में 197 महिलाओं को सफलता, नई दिल्ली का ये रिपोर्ट है। संघ लोक सेवा परीक्षा 2019 में 197 महिलाओं ने सफलता हासिल की है। इस परीक्षा में कुल 829 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। मंगलवार को घोषित हुए परिणाम में इस बार महिलाओं की संख्या 2018 की लोक सेवा परीक्षा में सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या से थोड़ी अधिक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 2018 से उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 2020 में थोड़ी अधिक है। अधिकारियों ने कहा है कि IAS, IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए चयनित कुल 829 उम्मीदवारों में 632 पुरुष और 197 महिलाएं हैं। अधिकारियों ने कहा कि 23.7%, हाँ दोस्तों 23.7% महिलाओं ने इस बार परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2018 में 759 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की थी, जिसमें 577 पुरुष और 182 महिलाएं शामिल थी। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि 2018 की तुलना में 2019 का जो सिविल सेवा परीक्षा का जो लॉट था, जिसका रिजल्ट अभी अभी घोषित हुआ है, तो उसमें महिलाओं का प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ है। तो ये कोई ज़्यादा या ड्रेस्टिक सुधार तो नहीं है, लेकिन सुधार हुआ है। तो मैं उन चयनित सभी महिला उम्मीदवारों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कठिनतम प्रयास से हमारे देश के सबसे कठिनतम परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। तो आशा करता हूं कि ये हमारी आधी आबादी को इस क्षेत्र में लाने में उनकी सहायता करेंगे, हमारी आधी आबादी को भी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे वीडियो को पसंद किए होंगे। हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।